आगरा से करीब 60 किलोमीटर दूर राजस्थान के धौलपुर जिले के सैपाऊ कस्बे में प्राचीन ऐतिहासिक महादेव मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। ये मंदिर अपनी भव्यता और नक्काशी का अद्भुत नमूना भी है। इसी के साथ ही मंदिर मौर्यकालीन स्थापत्य कला का एक जीवंत उदाहरण भी है। से 60 किलोमीटर दूर धौलपुर जिले के अंदर सैपाऊ की स्थित एक ऐसा प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर, इस मंदिर के दर्शन करने के लिए महाशिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। वहीं मंदिर की जानकारी करने के लिए आज आगरा से नेटवर्क 10 टीम धौलपुर जिले के सैपाऊ मंदिर के अंदर पहुंचेगी और मंदिर की मान्यताओं की जानकारी श्रद्धालुओं के द्वारा और पुजारियों से लेगी। इस प्राचीन मंदिर को राम रामेश्वर भी कहा जाता है। ये मंदिर पार्वती नदी किनारे धौलपुर जिले के सैपाऊ कस्बे से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मंदिर का तो बहुत प्राचीन तो मंदिर है ये, पार्वती के तट पर ही है, सैपाऊ से थोड़ी सी दूर, और इसकी मान्यता तो सदियों से चली आ रही है, करीबन 700-800 वर्ष से यहाँ पे, और श्रद्धालु आते जो अपनी थोड़ा सा कामना लेकर के उनकी पूर्ण कामना होती है यहाँ पे, प्रेम से पूजा करते हैं और जब इसे इसकी पूजा अर्चना चली आ रही है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग करीब 774 वर्ष पुराना है। प्राचीन शिव मंदिर खुदाई के समय मिला था। इसके बाद गोलाकार चबूतरा बनाकर शिवलिंग की पूजा अर्चना शुरू कर दी थी। इस मंदिर को रामेश्वर के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि विश्वामित्र के साथ भ्रमण पर आए भगवान श्री राम ने पूजा अर्चना के लिए इस शिवलिंग की स्थापना की थी, लेकिन समय के साथ ये शिवलिंग नीचे दब गया और इसके ऊपर झाल और वनस्पतियां उगाई। ये मंदिर अपनी भव्यता और विशालता को लेकर तमिलनाडु रामेश्वरम के बाद दूसरे स्थान पर है। मंदिर के महंत राम भरोसी पुरी ने बताया कि तत्कालीन रियासत के महाराज कीरत सिंह ने शिवलिंग की खुदाई कर दूसरी जगह पर स्थापित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन शिवलिंग का अंत नहीं मिल पाया। इसके बाद उसी स्थान पर वैदिक विधि द्वारा शिवलिंग की स्थापना कराई गई। मेरा नाम रामित कुशवाहा है, जय बोली कुशवाहा विकास समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। यहाँ एक साल में दो बार मेले लगते हैं, सावन में और हमारे फागुन में, जो लाखों की तादाद में यहाँ भीड़ आती है। प्रदेश से नहीं, पूरे देश का ये मेला है, विख्याति है। इसकी 800 पुराना ये मंदिर है, इसकी बहुत भूमिका है। इसके जो भी दर्शन करते हैं उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी आशा लेकर के यहाँ रात दिन जागरण होता है, सिर्फ 14 के दिन इतना होता है भव्य, और तरह तरह के यहाँ आयोजन होते हैं। ये देश के लिए एक बहुत बड़ी ख्याति है। हमारे हिंदुस्तान में ये ऐसी चीज़ पाई गई है जो कि बहुत पुरानी है, सदियों पुरानी है। इस इतिहास के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं, और हमारे यहाँ सब आते हैं, हम देखते हैं तो यह भीड़ें लगी रहती हैं। ऐसा मेला ख्याति बनाए हुए है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हमारे शिव भोले जो राम रामेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, और ये पार्वती नदी, पार्वती जो पार्वती मैया है, उसी के तट पर बसे हुए हैं। सैपाऊ से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंदिर में हर साल सावन के महीने में और फागुन के माह में प्राचीन ऐतिहासिक सैपाऊ महादेव मंदिर पर मेले का आयोजन किया जाता है। मैं यहाँ पर लगभग 35 साल से आ रहा हूँ। भोलेनाथ की कृपा है मुझ पर और पूरे सैपाऊ गांव पर। जो जो अपने सच्चे मन से इनकी पूजा करता है, उनकी हर मनोकामना भोलेनाथ पूरी करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और यहाँ पर हर सावन में और फागुन में लक्खी मेला लगता है, जो विश्व प्रसिद्ध मेला, और हजारों की तादाद के साथ बहुत तादाद में यहाँ कांवड़ें चढ़ती हैं, भक्त आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, यहाँ अपनी श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। सैपाऊ महादेव दर्शन करने के लिए रोजीना आते हैं हम सुबह शाम, और बहुत भीड़ होती है, ये लक्खी मेला लगता है। मान्यता क्या है मंदिर? मानता जाएगा कि दिल से, पर दिल से सेवा करो तो भोले शंकर सुता ही प्रणाम देता है। इस मंदिर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के साथ ही राज्यों से लाखों श्रद्धालु प्राचीन इतिहास मंदिर के दर्शन करते हैं।
आगरा से 60 किलोमीटर दूर राजस्थान के धौलपुर जिले के सैपऊ स्थित एक ऐसा प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है महादेव बाबा का, जिस मंदिर के दर्शन करने के लिए हर साल शिवरात्रि के पर्व पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और लाखों कांवड़िया इस मंदिर पर कांवड़ चढ़ाते हैं। वही आप इस मंदिर की मान्यता के बारे में हम मंदिर के पुजारी से जानकारी लेंगे कि बाबा किस प्रकार से बाबा के लोगों के लिए मान्यता है और लोग लगातार हर साल लाखों श्रद्धालु मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। बाबा आपका नाम क्या है? महंत राम भरोसेपुरी जी। मंदिर का इतिहास क्या है? मंदिर का इतिहास ये है कि स्वयंभू लिंग है जो निकला हुआ है जी। ये हमारी पार्वती नदी है, उसके दक्षिण भाग पे है जी। और राज रामेश्वर के नाम से जाना जाता है। सम्मत 1305 में निकला हुआ है, 774 वर्ष हो गई से जी। और धौलपुर महाराज ने इस मंदिर को निर्माण कराया है, 200 वर्ष हुई है अभी। और हमारी इसमें 18 गद्दी हो गई हैं, जो श्रद्धालु आते हैं तो उनके लिए विशेष जो प्राप्ति होती है दर्शन करने से, तो ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर कांवड़ वगैरह इत्यादि चढ़ती हैं। और बहुत प्राचीन शिवलिंग है और बहुत इतना है कि इसका कोई अंत नहीं है शिवलिंग का। क्या मंदिर के दर्शन करने के लिए पूरे देश के अंदर से लोग आते हैं? मुझे बहुत दूर तक आते हैं, कई जिले से आते हैं जी। जैसे यूपी, MP, राजस्थान, सभी जगह से बहुत श्रद्धालु आते हैं जी। मंदिर के पुजारी का साफ साफ कहना है कि इस मंदिर के दर्शन करने के लिए हर साल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और हरियाणा से हर साल लाखों श्रद्धालु महाशिवरात्रि के पर्व के मेले पर दर्शन करने के लिए आते हैं। आगरा से नेटवर्क 10 के लिए टिंकू सिंह की रिपोर्ट।